हेलो, वेलकम टू आईएमएस। टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट द ट्यूटोरियल कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑटो कैड का फोर्थ ट्यूटोरियल करेंगे हम आज, है ना। हम यहाँ पे आज न्यू कमांड्स देंगे और न्यू चीजें देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, आज हम देखेंगे न्यू मूव कमांड चालू करेंगे और मूव से लेके हम एरे तक सारे कमांड्स देंगे, ठीक है। फिर मॉडिफाई के अंदर जाके हम ये टू पॉइंट ब्रेक ये सारे अपन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले अपन को देखना है यहाँ पे मूव कमांड। अब मूव कमांड क्या होता है, हम यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट जब मूव करना होता है ना, तो उसके लिए अपन सपोज के लिए अपने पास ये एक लाइन है अपने पास, है ना। इसमें ऑर्थो अपन ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे ऑर्थो ऑन कर लेते हैं। तो अपने पास ये एक लाइन है ना, ये लाइन है। अभी इस लाइन के ऊपर एक सर्किल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, चलो यहाँ पे एक सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये सर्किल को आप अपने इस सर्किल को अब इस पॉइंट पे लेके जाना है ना, तो वो कैसे करेंगे, वो अपन करते हैं यहाँ पे ये मूव कमांड से। तो हमने मूव कमांड को क्लिक किया, फिर बाद में जिसको मूव करना है उसको सब्जेक्ट उसको क्लिक किया, और फिर बाद में यहाँ पे इस पे तो जिसको मूव करना है उसको क्लिक करके, और ये रॉन्ग हो गया, और फिर मूव एंड दिस एंड एंटर। अब किस पॉइंट के ऊपर मूव करना है, मतलब किस पॉइंट बेस के ऊपर मूव करना है, सेंटर पॉइंट से या एंड पॉइंट से या फिर कोई से पॉइंट से अगर मूव करना है ना, तो वहां पॉइंट सिलेक्ट करो और फिर ये अपना यहाँ पे ये मूव हो जाता है, ऐसे मूव हो जाता है, ठीक है भाई। दोबारा अपने को मूव करना हो, ये मूव दबाओ, ये सिलेक्ट कर दिया अपन ने, ये एंटर कर दिया। अब कौन से, अब अपने को ये पॉइंट को से मूव करना है, तो अपने ये पॉइंट अपन ने दबाया और ये अपन ने ये पॉइंट से यहाँ पे मूव कर दिया, ठीक है। अपने ऐसे अपने पास ये बन गया, ये अपना मूव कमांड होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना रोटेट। अब रोटेट कमांड क्या होता है, अपने को रोटेट होता है मतलब इसको अपन अब कहीं भी किसी डायरेक्शन में अपन रोटेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रोटेट कमांड सिलेक्ट किया, फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट रोटेट, या अपने सिलेक्ट कर दिया ऑब्जेक्ट रोटेट, फिर एंटर किया, और फिर किस बेस पॉइंट पे करना है, या इस बेस पॉइंट पे करना है कि किस पे करना है, तो अपन इस बेस पॉइंट पे कर देते हैं। तो अपन इस बेस पॉइंट पे किया, और देखो ये इसमें रोटेट हो सकता है, ये रोटेट हो गया, और इसमें ऑर्थो ऑफ कर देंगे तो अपन ये देखो, अपन ये देखो ये रोटेट हो रहा है, जिस पॉइंट पे किया उस पॉइंट पे अपना रोटेट हो रहा है। और फिर अपन इसको एंगल पे भी कर सकते हैं भाई, ऐसे तो करके अपन फिर कहीं भी क्लिक करें तो वो हो जाएगा। और एंगल जैसे अपने 65 डिग्री एंगल कर देते हैं, 65 पे एंगल पे डिग्री हो गया, ये हो गया 65 पे हो गया, ये देखो अपना 65 डिग्री पे एंगल पे अपने यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट अपना आता है, अपन इसको यहाँ पे अपन जाएंगे इसको स्ट्रेट करेंगे ना। अब यहाँ पे ये अपना हो गया रोटेट कमांड। नेक्स्ट है अपना एक्सटेंड कमांड, है ना। एक्सटेंड कमांड में क्या होता है कि भाई अपने पास कोई भी एक लाइन है उसको एक किसी पॉइंट तक एक्सटेंड करना है। कैसे करना है, जैसे अपने यहाँ पे देखते हैं ये लाइन है अपने यहाँ पे और तो कौन है, लाइन सपोज करते ये एक लाइन आ गई, ये लाइन सॉरी बस ये इसको लेके अपने ये अपन लाइन लेते हैं, लाइन अपन यहाँ पे रखे, यहाँ पे एंटर कर दी, फिर अपन लाइन यहाँ पे एंटर कर दी। अब ये लाइन है, अब ये लाइन इससे दूर है, अपने को इस लाइन से अटैच करना है, तो कैसे करेंगे अपन यहाँ पे, ये एक्सटेंड कमांड को वो करेंगे। इस एक्सटेंड कमांड के बाद अपने को एक वो करना पड़ेगा, मेन जो बेस लाइन है रेफरेंस लाइन पर, उससे पहले सिलेक्ट करना पड़ा, तो रेफरेंस लाइन अपने सिलेक्ट ली, फिर एंटर कर दिया। अब किसको बड़ा करना है उसको सिलेक्ट करना है, तो ये अपने बड़ा किया, ये इसको अपने को सिलेक्ट करना, तो ये अपने यहाँ पे सिलेक्ट हो गई रेफरेंस लाइन के ऊपर जाके, यहाँ पे मिल गई रेफरेंस लाइन के ऊपर, ये अपने पास यहाँ हो गया अपने, ये होता अपना एक्सटेंड कमांड, है ना। एक्सटेंड कमांड के बाद अपना नेक्स्ट आता है अपना कॉपी कमांड। अभी कॉपी कमांड वो होता है कि भाई अपने को कोई एक चीज है, जैसे कि अपने कोई सर्किल है या मान लो कोई किसी को कॉपी करना है ना, तो अपने क्या करेंगे, पहले जिसको कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और फिर किस बेस पे कॉपी करना है, इस बेस पे कॉपी करना है ना, तो इस पे सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे जाके आप ये इधर कॉपी हो गया, फिर आप यहाँ पे ये कॉपी कर सकते हो, यहाँ कॉपी कर सकते हो, ये देखो अपना कॉपी हो गया, इस एंड पे भी कॉपी कर सकते हो, ये अपना कॉपी हो गया, ये देखो अपना कॉपी हो गया, ये चीज यही हर जगह यहाँ पे जगह कॉपी हो चुकी है। तो ये होता है अपना कॉपी कमांड होता है। नेक्स्ट होता है मिरर कमांड। अब मिरर कमांड क्या अपना होता है, पहले इसको पेन करके थोड़ा सीधा करेंगे। अब मिरर कमांड क्या होता है अपना, ये मिरर अपन क्या आप किस सब्जेक्ट किसको करना है अपने को, ये अपने को ये करना है मिरर, है ना। तो अपने इसको किया, मिरर कमांड को किया, फिर किस बेस पे करना है, है ना। अब पहले एंटर करेंगे, फिर अब किस बेस पे करना है, यहाँ से लेके कौन से बेस पे करना है, तो अपन कर लेते हैं यहाँ से लेके बेस पे कर लेते हैं, इस बेस पे कर लेते हैं अपन, है ना। और यहाँ पे किया नो एंड, ठीक है, ये आ गया अपने पास, ये देखो मिरर बन गया इसका। अब मैंने जो एंड दबाया वो मैंने क्यों दबाया, है ना,
वो एंड मैंने क्यों दबाया कि इसमें एक ऑप्शन होता है ना, इसमें आप चाहते हो कि भाई आपको एक मिरर बनाना है, भाई एक सब्जेक्ट को जैसे कि यही अपना जो ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ ऐसे कैसे उल्टा मिरर करना है, लेकिन यहाँ जब मिरर करोगे तो अपने को ये डिलीट करना है। तो वो कैसे करते हैं कि भाई अपने को मिरर किया जिस सब्जेक्ट को अपने वहां किया, जब अपने को ये सब्जेक्ट जो अपने को मिरर करना है और फिर जो मिरर किया हुआ है उसको रखना है और इसको हटाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अपन करेंगे सबसे फर्स्ट फर्स्ट अपन यहाँ पे अपन मिरर सेलेक्ट करेंगे, जिसको मिरर करना है उसको एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे एंटर और फिर कौन से पॉइंट मिरर करना है, तो अपने को ये पॉइंट अपने को मिरर करना है ना, तो ये पॉइंट पे दबाएंगे और यहाँ पे जो ये नीचे लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे ये नीचे लिखा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट है ना, तो यस या नो, तो इसमें वाई करके यस कर देंगे तो ये इधर की साइड ये वाला तो मिट गया और यहाँ पे नया मिरर बन गया अपना। ये होता है अपना मिरर कमांड के अंदर, अपना बस ऐसा होता है अपना मिरर कमांड। नेक्स्ट अपना कमांड बनता है, नेक्स्ट कमांड कमांड बनता है फिलेट कमांड है ना। फिलेट कमांड में क्या होता है कि सपोज के लीजिए फिलेट कमांड में होता है अपना, वो डिलीट कर देते हैं, फिलेट कमांड में अपना ऐसा होता है कि एक रेक्टेंगल अपने बना लिया है ना, ये एक रेक्टेंगल अपने चूज किया, इस रेक्टेंगल की अपने को साइड कर्व करनी है ना, तो उस कर्व करने को कहता है अपन फिलेट। तो फिलेट अपने यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपन फिलेट, और किस फिलेट पे अपन किस रेडियस पे करेंगे, रेडियस रेडियस करेंगे अपन, रेडियस अपने ले ली वन की रेडियस है ना, वन की एंटर कर दी। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे अपन ये, और ये अपने सिलेक्ट किया, ये देखो बन हो गया, देखा ना, ये अपने ऐसे होता है अपना, ये फिलेट कमांड होता है, ये अपना होता है फिलेट कमांड। ये थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा दिखा दिया, जैसे अपनी रेडियस ने तीन ले लेते हैं हम, या तीन ले लेते हैं है ना, थ्री ले लिया, थ्री करने के बाद अपने सिलेक्ट जिस साइड को करना अपने उस साइड को अपने सिलेक्ट किया, वो ये दो थ्री, ये जो अपना ये अपना फिलेट कमांड है, ऐसा होता है ना फिलेट कमांड। फिलेट कमांड अपन रेडियस का भी होता है, पॉलीलाइन होता है, ट्रिम होता है, नो ट्रिम भी होता है। पॉलीलाइन ट्रिम नो ट्रिम मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, पॉलीलाइन ट्रिम भाई इसको अपन नॉर्मल करते हैं, इसको नॉर्मल कर दिया अपने इसको है ना, यहाँ पे बोलिए इसके अंदर आता है अपना चैम्फर आता है एक है ना, जब फिलेट कर लेंगे फिर पॉलीलाइन कर लेंगे है ना। पॉलीलाइन का मतलब होता है भाई एक ही अपने पूरे का एक साथ करना, जैसे अपने रेडियस की अपने थ्री रेडियस ले ली है ना, थ्री रेडियस में अपन ने पूरी की पूरी एक साथ ले ली, ये देखो सारी की सारी एक साथ हो जाती है। फिर ये अपनी फिर क्या है, इसमें एक तो सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट लेना और एक एक साथ को लेना, फिर उस हिसाब से चेंज हो जाता है ये। इसी के अंदर अपना नेक्स्ट आता है ट्रिम नो ट्रिम का। अब ट्रिम नो ट्रिम का सेम ही आता है पॉलीलाइन के अंदर आता है, कैसे आता है, जैसे ये अपना है यहाँ पे सब्जेक्ट, अपने को फिलेट बनाना, तो फिलेट लिया अपन यहाँ पे ट्रिम किया और नो ट्रिम किया, फिर हमारे रेडियस अपने अपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर कैसे करेंगे अपन यहाँ पे फिलेट लिया और जैसे रेडियस करेंगे कितना, फोर का थ्री का ले लेते हैं, थ्री का रेडियस और फिर ट्रिम और नो ट्रिम करेंगे, कैसे करेंगे? ये अपने ये सिलेक्ट और ये सिलेक्ट, देखो नो ट्रिम हो गया नहीं, ये चीज़ है यहाँ पे जब हमारे ट्रिम नहीं होता, ये सीन पॉली लाइन के अंदर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, बैक चलेंगे अपन ने फिलेट ऑप्शन किया चूज, फिर अपन ने पॉली लाइन किया, रेडियस किया, फोर रेडियस ले ली, फोर रेडियस एंटर कर दिया, ये अपने पॉली लाइन नो ट्रिम पॉली लाइन आ गया है ना। ये अपना होता है यहाँ पे ट्रिम का कमांड होता है, नॉन ट्रिम का भी होता है, इसमें ट्रिम भी होता है, सेम चीज़ होती है। नेक्स्ट अपना है यहाँ पे चैम्फर, नेक्स्ट अपना चैम्फर बनता है। चैम्फर कैसे है भाई, अपने ये सेम चीज अपने रेक्टेंगल बनाया है ना, रेक्टेंगल बना हुआ अपने अभी चैम्फर देख लिया। चैम्फर में क्या है, अपने को एक चैम्फर में भी सेम चीज होती है, डिस्टेंस वन डिस्टेंस टू के हिसाब से होती है। कैसे देखेंगे, डिस्टेंस वन डिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे, तो पहले अपन डिस्टेंस लेंगे वन ले लेते हैं, टू ले लेते हैं, और नेक्स्ट अपन डिस्टेंस लेते हैं फोर। कैसा होगा, अपने को जो पहली लाइन टू ली ना, अगर जिस लाइन पर अपने को इस लाइन का टू का देना है और इसका फोर का देना है, तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर सेकंड को सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखो टू और फोर का आ गया अपने पास यहाँ पे चैम्फर। चैम्फर मतलब होता है जब ये अपने पास बनती है ना, ये होता है अपना चैम्फर, ठीक है। वही चीज़ अपन दोबारा पे चैम्फर सिलेक्ट किया अपन ने, ट्रिम के अंदर ट्रिम कमांड रख रखा अपन ने, फिर अपन यहाँ पे वही करेंगे डिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पे फोर फाइव लेते हैं, फोर और फाइव, फोर फाइव लिया, तो भाई ये फर्स्ट फोर के लिए लिया, ये फाइव के लिए लिया, ये अपना चैम्फर आ गया, ठीक है। चैम्फर आने के बाद इसी के अंदर डिस्टेंस का भी होता है, ये जैसे दो डिस्टेंस थी, एक एंगल का भी होता है। कैसे होता है, चैम्फर अपने सिलेक्ट किया, फिर अपना एंगल आ गया,
एंगल में आ गया, किस लेंथ पे अपने को एंगल बनाना है पहले वो देखना है। तो अपन उस लेंथ के लिए, एंगल के लिए पहले अपन उस लेंथ को देख लिया, 4 अपन ने लेंथ देख लिया ना। अब इसमें एंगल भाई अपने को इधर से एंगल करना है कि अपने को इधर से एंगल करना है वो भी देखना है। तो अपन यहाँ से एंगल ले लेते हैं ना, तो पहले अपन एंगल ले लें 60 का एंगल ले लिया अपन ने, 60 का एंगल। अब इसके लिए यहाँ से एंगल लेना, तो इसको सिलेक्ट कर देंगे अपन अब यहाँ पे इसको, और इसके साथ बनाना है। तो ये देखो यहाँ से ये अपना जो एंगल बन रहा है ना, ये अपना 60 का एंगल है, ये होता है अपना चैम्फर, इसको अपन यहाँ पे चैम्फर कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेच कमांड, ये देखो स्ट्रेच कमांड है, स्ट्रेच को सिलेक्ट किया। स्ट्रेच में क्या होता है, सिंपल चीज़ होती है, यहाँ से आपको राइट टू लेफ्ट क्लिक करना होता है, याद रखना। ऐसे चीज़ होती है, राइट टू लेफ्ट क्लिक करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर किस बेस पॉइंट पे है भाई, इस बेस पॉइंट पे, तो इस बेस पॉइंट पे क्लिक करके, और ये देखो अपने आ गया, ये आ गया अपना, ये आ गया अपना ऊपर नीचे, जैसे ऊपर नीचे हो गया। अभी और तो ऑफ करेंगे, हर किसी भी जगह ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो जाएगा, जब ऐसे अपन सीधे जाएंगे सीधे भी जाते, ये अपना हो गया एक्सटेंड। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्लिक लेफ्ट टू राइट, वो सॉरी राइट टू लेफ्ट होगा, लेफ्ट टू राइट वाला ग्रीन वो ब्लू होता है, और राइट टू लेफ्ट वाला ग्रीन होता है, तो अपने को ग्रीन वाला करना है, ठीक है, या राइट टू लेफ्ट करना है अपने को। ये होता है अपना एक्सटेंड कमांड, ग्रीन विंडो आती है ना उसके लिए। नेक्स्ट अपना है स्केल कमांड। अब स्केल कमांड के हिसाब अपने को कोई इसमें अपने सिलेक्ट कर लिया है ना, इसका इसके स्केल्स के आपसे इसका स्केल में कितने लेने हैं, तो अपन इसका डबल कर लेते हैं, टू कर लेते हैं अपन, है ना। टू के अंदर एंटर कर देते हैं इसका, देखो टू टू इसका कहाँ से आ रहा है, किस पॉइंट से आ रहा है, वो कहाँ गया जैसे अपन इसका है ना, पहले तो शॉर्ट कर लेते हैं ना, शॉर्ट के हिसाब से पहले स्केल कर लेते हैं, स्केल इसमें इसको सिलेक्ट कर लेते हैं स्केल के अंदर, फिर एंटर कर देंगे हम सिलेक्ट के लिए। बेस पॉइंट ले लिया अपन ने ये बेस पॉइंट ले लिया, तो ये अपना ये आ गया। किस हिसाब से करना है, टू या फोर या थ्री ऐसे करना है, तो अपने टू लेके एंटर कर देते, ये टू के हिसाब से हो गया। तो अपना आज यहाँ पे होता है चैम्फर का, यहाँ पे चैम्फर का हो गया अपने यहाँ पे, और नेक्स्ट करते अपन। नेक्स्ट अपना आता है स्केल के बाद अपना आता है एरे। एरे अपने क्या चीज़ होती है, एरे में अपने जैसे अपन फर्स्ट में चलेंगे अपन, वो स्केल होता है डबल भाई, जो भी स्केल होता है ना उसका डबल करना ना, वो होता है अपने पे भाई, इसका डबल करना है तो टू दबा दो तो डबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए एरे, एरे अपने आता है अलग अलग टाइप के आते हैं एरे, जैसे कि अपने पहले इसके लिए अपन इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अपन ने क्या किया, अपन ने इसको स्ट्रेच कमांड दिया, इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, एक बेस पॉइंट ये अपने एंटर किया, इसको बेस पॉइंट दिया, और इसको फिर से थोड़ा छोटा कर दिया अपन ने, ये अपने इसको ये कर दिया ना। अब एरे देखेंगे अपन क्या होता है, एरे क्या होता है भाई, अपने एरे रेक्टेंगुलर एरे होता है, पाथ पे होता है, पोलर एरे होता है। पहले अपन रेक्टेंगुलर देंगे, रेक्टेंगुलर किसका एरे करना है अपने को, इसका एरे करना है, तो फिर इसका एंटर कर देंगे, और फिर ये देखो ये अपना आ गया, ये होता है अपना एरे, ये होता है अपना एरे। यहाँ पे जूम को अपन यहाँ पे जूम एक्सटेंड कर देते हैं, ये अपना एरे होता है इसमें भाई। अपने को कोई बहुत सारे अपन वो बना सकते हैं प्लस में एरे, इसमें अपने ऐसे काम आता है, ठीक है। ये अपना होता है एरे। इसके बाद अपन नेक्स्ट होता है अपना, ये अपना एरे हो गया। फिर इसी एरे के अंदर आपको ये देखो अपना पूरा एक सिंगल सेल, अगर अपने को इसको चेंजेस करना है ना, तो क्या करना है, अपने को इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट में आके एडिट सोर्स करना है, तो एडिट सोर्स कर देते हैं अपन यहाँ पे। फिर एडिट सोर्स में कौन सा सोर्स है भाई, इसको सिलेक्ट करते हैं अपन यहाँ, ओके कर देंगे फिर इसको, है ना। अब इसमें ओके में इसमें कैसे चेंजेस करते हैं भाई, अपने को अगर लाइंस करनी है तो अपने को ये लाइन इसको बेस मान के ये नेक्स्ट लाइन कर देंगे, तो ये अगर आप ये नेक्स्ट लाइन कर देंगे तो ये अपना एंटर करेंगे, तो यहाँ पे सब में हो जाएगी अपने सेम सेम। ये होता है अपना एरे कमांड, है ना। आपको इसके अंदर सोर्स के अंदर करना है तो यहाँ फिर एरे करना है, फिर एडिट एरे में यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे, तो यहाँ पे सब के अंदर वही चेंजेस आ जाएंगे, सबके अंदर वही चेंजेस आ जाएंगे। तो अपने ये होता है अपना एरे कमांड, है ना। फिर इसी एरे के अंदर अपना पोलर एरे भी आता है और पाथ एरे भी आता है। पोलर एरे और पाथ एरे क्या होता है वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे कि अपन यहाँ पे है, इसको अपने को पहले इसको सिलेक्ट करके इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर दिया। अब इसके बाद अपना आता है एरे, आता है पाथ एरे, पोलर एरे। पहले पोलर बता दूँ, पोलर के लिए अपने को पहले सर्किल देखना पड़ेगा। सर्किल अपन ने बना लिया, एक सर वो सपोज ये एक सर्किल बनाया अपन ने, है ना, ये सर्किल बना लिया अपन ने। सर्किल के अंदर अपने को एक लाइन कर लेते हैं, एक छोटी सी ऑर्थो ऑन करके एक इसके साथ एक लाइन कर लेते हैं, है ना। फिर इस लाइन के ऊपर अपन एक और सर्किल कर देते हैं,
अब ये सर्किल हो गया अपने पास। अब इसका अपने को वो करना है ना, एरे करना है, तो अपने पोलर एरे सेलेक्ट किया ये, और इसका अपने को एरे करना है, इसको सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। और फिर कितना स्पेसिफिक इस सेंटर पॉइंट पे, तो इसको एंटर करके ये अपना ऐसे हो गया पोलर। देखो अभी कितने नंबर हो गए, और ये पोलर के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं कि भाई अपने को अगर 6 की जगह अपने को ज़्यादा लेने, तो यहाँ पे 6 है, 6 जगह 9 रख देते हैं, यहाँ पे 9 कर देते हैं, ये 9 हो गया, 16 देखो 16 चाहो तो 16 कर देते हैं, ये 16 हो गया, देखो ऐसे हो जाता है अपना, ये होता है अपना पोलर में। इसके अंदर भी सेम चीज़ होती है, यहाँ पे बेस पॉइंट से सारी चीज़ें अपने पास वही होती है, क्लोज कर देते हैं इसको अपन, यहाँ पे क्लोज एरे कर देते हैं, ये अपना हो गया एरे बन गया अपने पास पोलर एरे, है ना। अब इसको अपन यहाँ डिलीट करते हैं। अब ना नेक्स्ट है अपना पाथ एरे। पाथ एरे क्या होता है अपना, पाथ एरे अपन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, फिर पाथ एरे होते हैं, इसको एंटर करेंगे। पाथ में अपने को एक वो बनानी होती है, यहाँ पे इसकी लाइन है ना, स्प्लाइन बनानी होती है, अपने स्प्लाइन की यहाँ पे सिलेक्ट किया, ऑर्थो ऑफ यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, फिर इसको एंटर कर देते हैं। तो अब ये होता है अपना पाथ, है ना, ये तो अपना पाथ होता है, और एरे अपन सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे पहले वो कर लेते हैं, एंटर करके अपन एक सर्किल बना लेते हैं, मुझ कर दीजिए, अपने यहाँ पे एक सर्किल कर लिया, छोटा सा एक सर्किल कर लेते हैं, ये सर्किल कर लिया अपन ने। अब इस सर्किल के वो अपने को एरे करना है, तो किस लिए करना है, ये अपना एरे करना है, और कौन से पाथ के लिए करना है, इस पाथ के लिए करना है। तो ये हो गया अपना, ये होता है अपना पाथ, पाथ एरे अपने इसको कहते हैं। यहाँ पे अभी आप वही सी चीज सेम चीज़ होती है, पर आइटम्स अपने चेंज हो सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है, पर रोज उसके हिसाब से आइटम अपने चेंज हो सकते हैं, लेवल्स के हिसाब से, है ना। ये होता है अपना पाथ एरे होता है, ठीक है, पाथ एरे समझ गए हम। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे क्या चलता है, अभी इसको हटाया अपन ने और ये किया डिलीट। नेक्स्ट अपना है यहाँ पे मॉडिफाई में जाते हैं अपने। अब मॉडिफाई में अपना है यहाँ पे जैसे कि लेंथन, फिर बाद में एडिट पोल लाइन, फिर ब्रेक एट पॉइंट, फिर रिजॉइन, ये अपना होता है। क्या होता है, जैसे कि अपने सपोज लिए अपने एक लाइन सिलेक्ट किया ना, ये लाइन थे अपने और तो ऑन करके ये लाइन अपने सिलेक्ट की, ठीक है, ये लाइन अपने सिलेक्ट की। अब इस लाइन को अपने को है ना, यहाँ से अपने को क्या करना है, इधर अपने यहाँ पे इस लाइन को थोड़ी बड़ी करना है, इसको इसको सिलेक्ट करेंगे, किस लाइन को बड़ी करना है, इसको बड़ी करना है, तो इसको पकड़ के इसको पकड़ लिया, फिर एंड इसको सॉरी इसको ये करके एंटर कर दिया, सॉरी ये आ गया अपना, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, टोटल करेंगे कितने एंगल के हिसाब से, अपन कितना लेंगे, अपन यहाँ पे टोटल लेंथ कितने 4 ले लेंगे, 4 के हिसाब से सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट और चेंज, ये अपने सॉल्व किया, 4 का छोटा हो गया ये, है ना, जो अपना कितना था वो 4 पहुंच गया अपना, इस हिसाब से चेंज होता जाएगा अपने वापस, जैसे कि अपने को और इसको बड़ा करना है ना, इसको अंडू कर दिया अपन ने, अंडू करके फिर बाद में अपन इसको एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे दोबारा अपन क्या जाएंगे कि अपन जहाँ पे जाएंगे, ये आ गया लेंथन, लेंथन में अपने डायनामिक, डायनामिक में क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे अपन, और फिर अपने इसके साथ डायनामिक जैसे ऊपर इसके साथ अपने बड़ा या फिर कुछ छोटा है, लेंथन मतलब यहाँ पे लाइन को बड़ा या छोटा करना होता है लेंथन, ये देखो अपना बड़ा लेंथन हो गया, यहाँ पे लाइन बड़ी हो गई, ये होता है अपना, ठीक है, यहाँ पे जैसे बड़ा हो रहा है, तो ये होता है अपना लेंथन का, ये अपनी लेंथन होती है। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पे जाएंगे, इसको अपन काट देते हैं, एरेज इरेज कर दिया, इसी के अंदर अपना आता है, नेक्स्ट आता है अपना ब्रेक। अब ब्रेक में क्या होता है, सपोज के लिए अपने पास एक स्क्वायर है, अपने पास ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ब्रेक कैसे काम करता है, अपने सिलेक्ट किया ब्रेक ऑब्जेक्ट किया है ना, अब ब्रेक किधर से यहाँ से इसके अंदर ये देखो दो ब्रेक हो गई अपनी, ये ब्रेक होगी ना अपनी लाइन, ऐसे ही इसमें कर सकते हैं भाई, अपने रिवर्स में जाएंगे अपनी यहाँ पे पूरी लाइन एक, अब ये पूरा सिंगल है, अब इसको ब्रेक करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे ब्रेक किया, ये सिलेक्ट यहाँ इस पॉइंट से सिलेक्ट किया, और कहाँ तक ब्रेक करना है मेरे को, इस पॉइंट तक ब्रेक करना, तो अपन इस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे, ये देखो लाइन ब्रेक हो गई यहाँ से, अब यहाँ से लाइन बिट गई, ये होता है अपना ब्रेक ऑप्शन। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, अब यहाँ पे अपना है ब्रेक पॉइंट, ब्रेक एट पॉइंट, ये सिंगल के लिए भाई किस लाइन के बाद उसको मिटाना चाहते हो, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे मॉडिफाई करके पॉइंट करेंगे, पॉइंट करके फिर ये सिलेक्ट कर देंगे, और ये देखो ये अपना आ गया यहाँ पे, देखो अपनी ये चेंज हो गई है, देखो ये दो दो लाइन बन गई अलग अलग, है ना, मतलब ब्रेक हो गई यहाँ से, फिर आपने मैंने यहाँ पे हो गया अपना, इसको कैंसिल करेंगे, गलती से हो गया इसको, ये बैक में गए अपन, ये अपना आ गया सिंगल, सॉरी ये तो वापस वही आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट अपन न्यू बनाते हैं रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कर दिया, अब इसमें अपन देखें मॉडिफाई के अंदर, अब ये ज्वाइन करने का है,
अब जैसे ब्रेक था ज्वाइन करने का, ब्रेक है अपने को ब्रेक क्या करना है, अपन ब्रेक कर दे, चलो एक अपन इसको इसको अपन ब्रेक कर देते हैं, इसी पॉइंट पे अपन इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे ये और ये ब्रेक हो रहा है ना, अब इसको ज्वाइन कैसे करते हैं अपने को पता है, मैंने बताया था ज्वाइन, ये ज्वाइन कमांड से जिसको ज्वाइन करना है इसको अपने सेलेक्ट किया, एंटर कर दिया, ये ज्वाइन हो गया पूरा, ये देखो ज्वाइन हो गया, ये अपना ज्वाइन कमांड था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।